हेलो। हाँ हेमा, एक बात है, कल जो तूने क्या कहते हैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, बहुत ही बढ़िया थी, एकदम बढ़िया। और उसका खीर का तो कहना ही क्या था। मैं तो ये चाहूँगा कि तू आलू मटर की सब्ज़ी अगर आज रिपीट ना भी करना चाहे, क्योंकि 2 दिन हो गए, तो कल ज़रूर बना देना, ठीक है ना? और क्या कहते हैं, खीर तो बहुत ही बढ़िया थी, ये तो टाइम टू टाइम बना दिया कर, ठीक है? और हाँ, एक और भी कहना भूल गया, कल सूट का प्रिंट बहुत अच्छा था तेरा, जो तूने पहन रखा था, और आज साड़ी बहुत अच्छी लग रही, खिल रही है, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे कुछ कहने जा रहा हूँ, दो उदाहरण मैंने एक ही फ़ोन में आपको दिए हैं। ये नहीं केवल पति इस तरह बोले, पत्नी के लिए भी है। कभी उसके ड्रेसअप की तारीफ कर, डेली कोई ना कोई एक दूसरे को, एक दूसरे की तारीफ करने का कोई ना कोई होना चाहिए। तुम्हारे बाल ऐसे बने, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, अच्छा, अरे आपकी उम्र चाहे कितनी भी, अपना आराम से बैठ के कर लो, 1 मिनट की तो बात करनी, 30 सेकंड, 60 सेकंड में कुछ देर ही नहीं लगती। कभी खाने के बारे में बोल दिया, कभी किसी चीज़ के बारे में बोल दिया, कभी कोई चीज़ वो बाज़ार से लाए या कुछ भी चीज़ हो, कोई ना कोई कोई बात हो। उदाहरण के लिए, अरे भी कल तुमने जो क्या कहते हैं, मान लो पत्नी कह रही है पति को फ़ोन करके, कल तुमने जो क्या कहते हैं मेरे को जो बात कही ना, एक हिम्मत दी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। या तुमने जो कहते हैं बच्चों के लिए वाली बात रखी, बहुत अच्छा। मान लो उसने बच्चों के लिए कोई अच्छी बात रखी, मतलब कुछ एक अच्छा सुझाव दिया, कुछ भी चीज़ हो, या कोई उसने प्रोग्राम बनाया, चलो पत्नी ने प्रोग्राम बनाया तो पति, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के लिए रोज़ एक दो बार फ़ोन जरूर करें दूर बैठे तो, जिसके अंदर कि एक बार तो उनकी किसी न किसी बात की तारीफ हो, या कोई चीज़ की तारीफ हो, आर्ट वस्तु कोई चीज़, और एक बार ये कि मैं आज ये बना रही हूँ तो क्या बनाऊँ और बताओ, तुम्हारे को मनपसंद हो तो बता दो, ठीक है ना? रात के लिए, शाम रात के लिए तो चलो बनेगा बनेगा, लेकिन अभी दिन का बता दो एक बार, ठीक है? कहने करती है। इसी प्रकार से जब घर में आप दोनों आपस में रहते हैं, रिटायर हो गए, तो भी तारीफ करो, यही तारीफ होती है। इसमें शर्माने क्या बात है, पति पत्नी है क्या? सारे समय केवल काम की बातें होती हैं, काम के दो अर्थ हैं, ठीक है? याद रखिए आप, एक काम जो हम वर्क कोई भी चीज़ का, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, कुनबे को लेके, घर गृहस्थी या दुनिया भर के काम ही काम है दिन भर के, एक काम का अर्थ है जहाँ पे क्या कहते हैं आप अपने काम का प्रदर्शन पति पत्नी के समक्ष करते हैं, एक दूसरे के समक्ष करते हैं, ठीक है ना? तो उसके भी दो अर्थ बनते हैं मोटा मोटी, एक होता शारीरिक संबंध, एक होता वैचारिक, दोनों मिला के ही उसको क्या कहते हैं एक रूप, एक ए, 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 एक दूसरे के वह पर्याय हैं। मुख्य तौर पे क्या चीज़ है, विचारों का खेल है। तो विचारों से ही आपको एक दूसरे को कैसे हंसा सकते हो, कैसे रिझा सकते हो, ये देखिए। ये कहने से काम नहीं चलता, अब तो बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, क्या बहू बोलेगी, क्या बेटे बोले, कभी कुछ नहीं जी, आप कौन सुन के सामने करो, कर भी लो तो भी क्या बुराई है, हंसी मजाक ही तो है, नहीं तो अपना अलग से बैठ के आप बैठे हो, अपना करते चलो। लेकिन ना हम तारीफ़ कर पाते हैं, ना तारीफ़ करने के हमारे अंदर कोई खासियत रहती है, ना हम क्या कहते हैं अच्छी चीज़ को बता पाते हैं, ना उस पर चर्चा कर पाते हैं, कुछ भी नहीं, बस अपने संकोच में या अपने आप में खुनमुन, या ठीक है जो भी कुछ है, कोई मन में भाव नहीं होता कि हम एक दूसरे को कैसे रिझाएं, कैसे बातचीत करें, कैसे कुछ करें, वो ज़िंदगी फिर शून्य होकर चलती रहती है, कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे ऐसे तो लाखों लोग हैं जो बिल्कुल चुपचाप शांत रहते हैं, पत्नी भी है पति भी, एक दूसरे से विपरीत, एक ही घर के अंदर, ठीक है ना? या थोड़ा बहुत बस काम की बात करें, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत बुढ़ापा कठिन हो जाता है, और वैसे तो देखा तो ज़िंदगी कठिन हो जाती है, क्योंकि सारे दिन थके हारे दोनों होते हैं, काम करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं बनता। केवल एक शारीरिक संबंधी बहुत बड़ी बात नहीं होती, फिर ध्यान दें वो भी एक सीमा तक होती है, विचार मरने से पहले तक चलते हैं।